आज हम बनाएंगे चिकन हरा मसाला। तो यहाँ पे हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन, और यहाँ पे हमने मसाले के लिए लिया है 1 से 1.5 इंच अदरक, एक छोटा साइज़ प्याज, 15 से 20 लहसुन, 20 से 25 हरी मिर्च, एक मुट्ठी हरा धनिया, और ये छोटा आधा चम्मच काली मिर्च है, और एक चौथाई चम्मच साबुत जीरा। और यहाँ पे हमें चाहिए 3 से 4 मीडियम साइज़ प्याज बारीक कटा हुआ, पकाने के लिए तेल और नमक स्वाद अनुसार। तो इन मसालों को हमको पेस्ट बनाना है, हम इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। बर्तन रख दिया है, और हमने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ तेल गरम होने रख दिया। तेल गरम होने पर हम इसमें पहले प्याज डालेंगे। हमारा तेल यहाँ पे गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसको बस ट्रांसपेरेंट कैसे रहने लेना है। थोड़ा कच्चा पक्का हम प्याज को हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज रेडी हो गया, ये ज़्यादा लाल नहीं है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, और हमने थोड़ा ब्राउन रखा है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। इसे हमें हाई फ्लेम पे कुछ देर फ्राई करेंगे हम चिकन को। मैंने 20 से 30 सेकेंड चिकन को हाई फ्लेम पे इससे हमने फ्राई किया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा हरा मसाला। इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। अब बारी है इसमें नमक डालने की। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, मैं यहाँ पर बड़ा आधा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे। फिर से करते हैं हम मिक्स, ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे पहले हाई फ्लेम पे कुछ देर पकाएंगे, जब तक इसमें अच्छे से बॉईल ना आ जाए। तो ये हाई फ्लेम तक कुछ देर हम इसे पकाते हैं। देखिए अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है, अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं। फ्लेम को हमने लो कर दिया है, तो 10 से 15 मिनट हम इसे लो फ्लेम में पकने देंगे। 15 मिनट हो गए, अब हम चेक करेंगे हमारे चिकन को। ये 15 मिनट से पक रहा है, देखिए मसाला सूख रहा है पक कर। अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, जब तक ऑयल मसाले से सेपरेट ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले से ऑयल सेपरेट हो गया है, हमारा चिकन अच्छे से भुना गया है। अब इसमें कोई कच्चे मसाले की स्मेल नहीं आ रही है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे बड़ा आधा ग्लास। पानी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.25 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे उबाल आने तक।
इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम फिर से इसका फ्लेम लो कर देते हैं, इसे लो फ्लेम पे हम पकने देंगे कुछ देर। तो ये हमारा चिकन 5 से 7 मिनट तक पक ही रहा था इसमें। तो अब हम इसमें चखेंगे नमक इस स्टेज पर, फिर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें नमक थोड़ा सा कम था तो मैं 1/4 चम्मच नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। कुछ देर इसे हम और पकने देंगे, फिर इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। हमारा चिकन मसाला तैयार है, अब हम चलते हैं डिश पॉट की तरफ यानी इसकी प्लेटिंग की तरफ। तो गैस को कर देते हैं बंद, तो चलिए प्लेटिंग की तरफ। चिकन हरा मसाला तैयार है, आप इसे प्लेन राइस, जीरा राइस या लच्छा पराठा किसी के भी साथ इसे खा सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा चिकन हरा मसाला, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रसोई में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।